साथियों नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ और मैं मौजूद हूँ सीएमओ कार्यालय बांदा में और मेरे सामने हैं सीएमओ से। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का मामला पिछले महीने से बहुत जोरों में चल रहा है। पूरे देश में अलग अलग शहरों में इसके मामले भी सामने आए हैं। अब मैं बात करूँगी बुंदेलखंड के बांदा जिले की। कल से यहाँ पर भी एक मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर के बहुत लोग दहशत में हैं, डर भी रहे हैं। तो हम इस मामले की सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए सीएमओ सर से जानेंगे कि आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है और क्या सच में ये मामला है। तो सर आपका इस फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और सर मैं जानना चाहूँगी कि जो कल से एक मामला चल रहा है वो क्या है, उसके क्या सच्चाई है। कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी मेडिसिन ओपीडी में जी। एक सर्दी जुकाम और बुखार का सामान्य केस आया था जी। चिकित्सक ने उसको जांच करने के उपरांत मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था जी। तो मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कर लिया गया है। ये कोरोना के लक्षण उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके क्लिनिकल आधार पर उसको कोरोना घोषित किया जाए, क्योंकि ये केस बाहर गया था, केरल से किसी काम से गए हुए थे ये लोग, तो वो वापस आए। लेकिन ये सामान्य सर्दी जुकाम का केस है, इसमें कोरोना के कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं। ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का भी यही अभिमत है कि इसमें ऐसी कोई कोरोना वाली कोई शिकायत नहीं है। तो सर ये मामला कैसे आया, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है, बांदा के बहुत सारे जगहों में लोग इसको इतना ज़्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं। केवल एक्सपर्ट जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, वहाँ पे उसकी क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल जांच कराई गई है। उन सामान्य लक्षणों के आधार पर वो सामान्य सर्दी जुकाम का केस है जी। उसका आज की खबर है कि उसका बुखार भी ठीक है, अब वो नॉर्मल पोजीशन में है और कोरोना टाइप की कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। तो सर जैसे कि आपने सुना सर का कहना है कि ये मामला पूरी तरह से गलत है, जो भी मामला आया है वो नॉर्मल सर्दी जुखाम बुखार का है, जिसको स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज कर रहा है, शायद मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज हो रहा है जी, और जल्दी ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो सर थोड़ा सा और भी हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि बांदा की जहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या ऐसा कुछ मामला आपको लगता है संदिग्ध हो सकता है या कुछ ऐसे कुछ केस हैं? नहीं, बांदा जनपद बांदा में कोरोना वायरस के संक्रमण की चांसेस बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है जिससे लोग बाहर से आएं, दूसरे कंट्रीज से आएं, या कोई सामूहिक ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ पर गैदरिंग वाला कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता हो। तो ये एक अलग, इस तरह की कनेक्टिविटी से अलग है, तो यहाँ पर बहुत ही रिमोट चांसेस हैं। जब तक कोई विदेश से गया ना हो और वहाँ संपर्क में रहा हो जी, उसी में संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई केसेस रिपोर्टेड नहीं है। सर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है इस तरह के मामले को, कोरोना को खास करके लेकर के? कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों से निपटने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर्स में आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं वहाँ पर, और मेडिकल कॉलेज में भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। प्रिंसिपल साहब ने भी अपने स्तर से सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और उनसे निपटने के लिए हमारा ट्रेंड स्टाफ है, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और PPE किट सफिशेंट मात्रा में है हमारे पास। कोई भी केस ऐसा संदिग्ध आता है तो उसका समुचित इलाज किया जाएगा और आगे संदर्भित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने ये जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है, स्पेशल वार्ड तैयार किए गए हैं मेडिकल कॉलेज में,
कि अगर कभी इस तरह का कोई मामला आता है तो वहाँ पर इलाज समुचित ढंग से दिया जा सके। जी, और इसके साथ ही और भी तैयारियाँ चल रहे हैं। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि कम से कम आपने अपने माध्यम से ये क्लियर किया, ये बताया हमारे दर्शकों को, या जो ये मामला इतना ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया में कि मामला पाया गया है। नहीं, वो केवल एक रूमर है, अफवाह मात्र है। जी, अफवाह है। तो किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस के नाम पर खासकर बांदा जिले में सीएमओ सर के हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की अफवाहों में भी आने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो लोग सोशल मीडिया में हैं उन लोगों को ऐसे मामलों को फॉरवर्ड करने में, शेयर करने से बचना चाहिए ताकि इस तरह की अफवाहों में लगाम लग सके। इसके लिए आप सब और हम सब जिम्मेदार हैं। तो इस लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी लाइव यहाँ पर समाप्त करती हूँ। सबको नमस्कार।